नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। छिंदवाड़ा भाजपा पार्षदों ने ज्ञापन सौंपा। नगर पालिका परिषद की बैठक में सर्व सहमति से लिए गए विषयों को परिवर्तन कर प्रोसीडिंग में गड़बड़ी करने को लेकर भाजपा पार्षदों ने सौंपा ज्ञापन। खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पांडुर्णा नगर विकास को लेकर नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों द्वारा सोमवार को लिए 13 प्रस्ताव के विषय पर चर्चा कर कुछ विषय सर्व सहमति से पास कर अन्य विषयों को विचाराधीन रखने पर सहमति बनी थी, परंतु समाचार पत्रों में 13 प्रस्ताव पूर्ण रूप से पास होना दर्शाया गया, जिसको लेकर प्रतिपक्ष में बैठे भारतीय जनता पार्टी के 13 जनप्रतिनिधियों द्वारा शुक्रवार को अनुविभागीय कार्यालय पहुंचकर आपत्ति दर्ज करते हुए ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगर पालिका परिषद पांडुर्णा में सोमवार को विशेष सम्मेलन की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 13 विषयों में से 11 विषयों को सर्व सहमति से स्वीकृत किया गया एवं 8 एवं 9 नंबर के विषयों को निरस्त कर आगामी बैठक के लिए विचाराधीन रखा गया था, किंतु नगर पालिका अधिकारी द्वारा समाचार पत्रों में सभी 13 विषयों की स्वीकृति की भ्रामक जानकारी दी गई। इसके पूर्व भी दिनांक 5 जनवरी 2023 की परिषद की बैठक में विषय क्रमांक 7 एवं 12 की गलत प्रोसीडिंग तैयार की गई थी, जिस पर परिषद की दूसरी बैठक में माफी मांगकर भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी ऐसा आश्वासन दिया गया था, किंतु पुनः नगर पालिका अधिकारी द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को भ्रामक जानकारी देने की बात जनप्रतिनिधियों द्वारा बताते हुए अनुविभागीय अधिकारी आर पांडे को ज्ञापन सौंप निवेदन किया कि उपरोक्त विषय को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्य भी की जाए एवं आगामी सभी बैठकों को वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड कर बैठक की कार्यवाही को सुरक्षित रखा जाए एवं प्रोसीडिंग कॉपी पर सभी के अभिमत का उल्लेख करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष महेंद्र घोड़े, लोचन खपसे, प्रीति गिरारे, प्रदीप कामदार, कुसुम कलम्बे, सुनीता डोबले, यादवराव डोबले, उमेश हुट्टे, रामर्ती इवनाती, गुम्फाबाई नादेका आदि जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पांडुर्णा संवाददाता मनोज गुर्थी की रिपोर्ट। जो अनुविभागीय अधिकारी को जो आवेदन दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 19 तारीख को जो बैठक हुई है 19/6 को, उसमें 13 विषयों में से 11 विषय प्रस्तावित हुए थे और 2 विषय को निरस्त कर आगामी बैठक के लिए विचाराधीन रखा गया था, मगर नगर पालिका के द्वारा समाचार पत्रों को भ्रामक जानकारी दी गई कि पूरे 13 विषय पास हो गए। ऐसे में जो है कि हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे। इसके पहले भी एक बार 5/1/2023 की बैठक में 2 विषयों को वैसे ही प्रोसीडिंग में इन्होंने निरस्त होने के बाद में भी जोड़ दिया था और उसमें भी उन्होंने गलत जानकारी लिखी थी। तो हमारा यही कहना है अनुविभागीय अधिकारी साहब से कि अब भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सुरक्षित रखा जाए। और जो विषय को लिया गया है, जो बताया गया, तो उसको लेकर प्रोसीडिंग के किसी कार्रवाई होंगी किसी अधिकारी पे? कार्रवाई के लिए दिया हमने। साहब किसके ऊपर क्या कार्रवाई करते देखिए।